बिग बॉस सीजन 15 जिसको लेकर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव अपडेट सामने आई है। मेकर्स की स्ट्रैटेजी क्या है और मेकर्स किस तरह के कंटेस्टेंट्स को लेकर आने वाले हैं इस रियलिटी शो में, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कॉमनर्स के लिए क्या खुशखबरी है, आपको ये भी बता देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये बता दें मेकर्स क्या चाहते हैं। मेकर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि इस बार वो एज ए कंटेस्टेंट इस रियलिटी शो में कपल्स को लेकर आएँ, एक्स कपल्स को लेकर आएँ और कॉमनर्स को लेकर आएँ। तो ये तीन ऐसे हैं जिसमें कपल्स होंगे, एक्स कपल्स होंगे और कॉमनर्स होंगे। अब हम आपको बताते हैं कंटेस्टेंट्स यानी जो कपल्स हैं जिसमें दिव्यंका त्रिपाठी और विवेक दहिया का नाम रिवील हुआ है कि ये दोनों इस रियलिटी शो में पार्ट लेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि एक्स कपल्स जो कि पहले दोस्त थे, फिर वो रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप में आने के बाद फिर उनका झगड़ा हुआ बीच में, फिर वो उनका ब्रेकअप हो गया और अब वो एक दूसरे के फेस को नहीं देखना चाहते। कुछ इस तरह के कपल्स को लेकर आने चाहते हैं मेकर्स इस सीज़न 15 में, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा मसालेदार कुछ चीज़ें होने वाली है जिसमें जो जिससे नफरत करता है उसको वो एक दूसरे के सामने एक ही घर में देखेगा तो कैसा लगेगा। इसी के साथ आपको बता दें कॉमनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कॉमनर्स के लिए डेट्स को एक्सटेंड किया गया है और 31 मई तक वूट ऐप पर आप अप्लाई कर सकते हैं और वूट ऐप पर जाकर आप अपने ऑडिशंस को दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले वूट ऐप को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिसके लिए कुछ चार्जेस होंगे या तो मंथली या फिर ईयरली कुछ चार्जेस हैं उसमें, जिसके चलते आप पहले उसको सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आप अपने ऑडिशंस को वहां पर दे सकते हैं। एक क्वालिटी वाली वीडियो आप बनाएं और जिसमें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आपको वो फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आप उस ऑडिशन को वहां पर अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपके ऑडिशन को देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा मेकर्स की तरफ से और उसके बाद अगर आप वो लकी में से होंगे कि उन कॉमनर्स में से एक आपका नाम होगा तो ज़रूर आपको अप्रोच किया जाएगा बिग बॉस की तरफ से। सो ये एक बड़ी अपडेट आई है और इसी के साथ आपको बता दें कि एक और कंटेस्टेंट का नाम जो कि सामने आया है जिसका नाम है नेहा मर्दा। नेहा मर्दा जो कि आई थिंक बालिका वधू फेम एक्ट्रेस हैं और वो ऑलरेडी एक शूट कर रही हैं जो कि बायो बबल में वो शूट कर रही हैं और जिसके चलते उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसे बायो बबल में शूट कर रही हैं कि अगर उन्हें बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा तो बिग बॉस भी एक तरह से बायो बबल की तरह ही है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही घर में हैं और वहाँ से वो बाहर नहीं निकलते। तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ की टॉप कंटेंडर में से एक बन सकती हैं। सो ये कुछ ऐसी अपडेट है जो कि सामने आई है और बिग बॉस की अपडेट्स के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी मिस ना करें।